भाई, एक तो प्रोग्राम में मजा नहीं आ रहा है सीरियसली, क्योंकि कलाकार की एनर्जी जो है वो आप लोगों की किल की शेयरिंग से हुआ है। अच्छा, प्रोग्राम भी उस हिसाब से चल नहीं रहा कि आप किल की मारो, है ना। देखो, हम लोग पूरा साल मेहनत करते हैं, जब प्रोग्राम करने आते हैं तो प्रोग्राम के मूड में होते हैं। आज सम्मान समारोह है, हाँ, लेकिन थोड़े बहुत जीसे दे के जाएंगे, थोड़े बहुत जीसे लेके जाएंगे। और अगर आप एनर्जी में रहोगे तो जरूर, नहीं तो भाई किसी का मन नहीं करा। जैसे एमडी भाई चले गए, नुए सारे चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों की एनर्जी रहेगी। हम लोग पूरा साल मेहनत करते हैं, साल में एक या दो दफा ऐसा आता है जब अवार्ड फंक्शन होता है और हमें कुछ वो सम्मान मिलता, तब हमें लगता है। बात वो 200-250 रुपए की एक शील्ड की नहीं है जो हमें मिलती है, लेकिन जिस काम के लिए वो मिलती है ना, वो काम, वो फिर हमारी मेहनत सक्सेस हो जाती है, फिर हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। आपने देखा होगा, मैं एक गांव में शूटिंग कर रहा हूं, एक बुढ़िया आई। उत्तर भाई सुनना ध्यान से, एक गांव में, ये किसके बालक ले रहे हो उत्तर भाई? आप भी भगवान ना चाहे बहुत बालक हो जाएंगे और भी हो जाएंगे। ये हटा, और भाई जा अपनी मां तरफ, क्या कर रहा है? तो गांव में शूटिंग कर रहा है मैं, एक बुढ़िया आई, बोला रे बेटा तू ऐसे के विजय वर्मा, मखा मैं बोला कम दिखा है, मखा देखिए कदे किसी और का फुचकार आई हो, सिर मैं हूं विजय वर्मा। तो दोहरा आई, बोला रे बेटा तू वो नू क्या कर फोन में, अक बटन दाब दियो, वो लैक कर दो, वो कैट कर दो, मैं कहा कमेंट क्या करो? बोला उस तो होके जागा, नू बता मारा पीछे आऊंगी। अरे मैं कहा ताई थारा पीछे कौन आवे, ये थोड़ा कंपनी वाला नू बेरा पड़ जाएगा, लोग लाइक करने लग रहे हैं, कंपनी वाले जो है और आगे प्रोग्राम हमारा सेट करते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे, आप देखते रहोगे। तो आप लोगों को लगता होगा कि कई बार हम कहते हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कोई पैसा नहीं आता भाई हमारी जेब में, कोई पैसा इस चीज का नहीं आता। हमारी जेब में पैसा आता है जो हम काम कर चुके हैं, हम एडवांस ले चुके होते हैं कंपनियों से, वो कंपनियों को जाता है, और कंपनियों को जाएगा तो फिर वो हमारी जेब में भी आएगा ना। तो इसलिए आप लोगों को कहते हैं, और वो आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट हमें एनर्जी देता है, इसलिए भी कहते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा एनर्जी बनाए रखोगे तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, नहीं तो भाई हम भी आप जैसे हैं, आप भी हमारे जैसे ही हैं, एक ही बात है। और लाइक कमेंट अगर आप करते हो तो आपका भी पैसा नहीं लगता है। हाँ। दूसरी बात रही, आशू भाई, आशू मलिक जी से बोला था कि उत्तर भाई की कॉमेडी करो या उत्तर भाई की एक्टिंग करो, देवा भाई की एक्टिंग करो। अगर रियल में किसी को देखा हो और सच में देखा हो तो भाई शर्माते नहीं आशू भाई। बंदो क्या हालो? नहीं विजय भैया, ऐसा नहीं कह सकते। उत्तर देव कुमार देवा भाई का जो है स्पेशल डांस है धर्मेंद्र स्टाइल, बिल्कुल अपने हरियाणा में आपने देखा होगा स्टेज पे, हमेशा नू पाएंगे। देव कुमार देवा का स्टाइल है। उत्तर भाई जो है उनका बोलने का जो स्टाइल है, एक फिल्म थी शायद मास्टर जी ऐसा कुछ था, कविता जी, उसमें मास्टर नहीं बनी हुई है। और भाई नहर के किनारे जो है वो उनको धक्का दे के चली जाती है और वो पानी में गिर जाए, और सर्दी का टाइम हो है और भाई वो किसी तरह नहर के किनारे आ जाए। एक आदमी साइकिल बताओ उस तनु का है, अरे अरे भाई मेरे को खींच ले यार। अरे वाह। तो वो बंदा क्या है, अरे यार तू इतना कड़ क्यों रहा है? अरे मैं कड़ नहीं रहा यार, मैं जाड्डे में कड़ रहा हूँ। ये उत्तर भाई की एक्टिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और किसकी एक्टिंग थी? मेरी एक्टिंग तो आपको पता ही है, मैं क्या खुद की एक्टिंग नहीं, नहीं, एक स्टेप जो आपका परमानेंट रहता है। बाकी ये बात मैं मान गई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं फॉलो किया। देखो विजय जी ने फॉलो कर रखा। देखो मैं आपको एक बात और बता, बोला था कि मैं सभी के वीडियो गाने सब देखता हूँ, तो आपने प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सारी चीजें सीनियर और जूनियर क्या रह जाएगा पागल? मेरी एक्टिंग करते चलो भाई। देखिए भाई, सीनियर सीनियर ही होते हैं और जूनियर जूनियर ही होते हैं। अब थोड़ा सा जूनियर जो है थोड़ा बहुत कुछ करने लगे हैं। वो ट्रेलर चल रहा है अपनी शंकरा फिल्म का, एक बार उसकी आवाज खुलवा दीजिएगा दोबारा से लगा के। भाई एक बार उसे वॉइस खोल दीजिएगा, एक बार शंकरा का ट्रेलर देख लो भाई सारे, एक मुंह मालूम, एक बार उसकी जो स्क्रीन है वो घूम जाए, आवाज खोलो। ऐसा लग रहा था ना हम बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। एक छोटी सी बात बोल दूं, छोटा सा कलाकार हूं, तीनों फिल्में मैंने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट की है और खुद ही उसमें हीरो था। वाह भाई, आंसू कलाकार कभी छोटा नहीं होता, कलाकार जिसके आगे लग जाता है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। भाई कलाकार छोटा नहीं होता है, एक तो ये मत कहा अगर,
हाँ ये है, सीनियर जूनियर का तो जरूर फर्क रखे अगर। देखो भैया ये तो हरियाणा भी जानता है, अगर मैं सीनियर जूनियर का फर्क नहीं रखता तो मैं सबकी स्टेप करके दिखा देता, क्योंकि इतना तो एनी भी जानते हैं मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अनु जानती है बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता रिस्पेक्ट ये हो कि किसी की एक्टिंग करके दिखा दो तो वो ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाती हो। नहीं वो तो जस्ट फन था, मैं चाह रही थी कि अच्छा लगेगा। मतलब एक आशू भाई का ट्रेलर देखा भाई, बधाई हो आशू भाई, आपकी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, सुपर डिपर हिट हो, हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। एक आपकी फिल्म आने वाली है साजन के घर जाना है, अभी उसकी मेरी पूरी उम्मीद है और मेरा पूरा विश्वास है भाई साजन के घर जाएगा। साजन के घर साजन ये है क्या उसमें? साजन आप हो ना? ना अच्छा खुद सजनी है भाई, सज्जनपुर के साजन भी हमें और वो सजनी भी हमारी ही सजनी बनेगी। क्या बात है, क्या बात जी, आप यही रहो, आप तड़का लगाते हो। अच्छा विजय भैया की जरूरत है यहाँ पे फिलहाल, मैं चल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया। अच्छा एक फिल्म आने वाली है अभी जुनून इश्क, एक हल्की सी स्टोरी आपको बता दूं जो मैंने लिखी थी। एक प्यून होता है जो मोना से प्यार करता है, जुनून इश्क में एक प्यून होता है जो मोना से प्यार करता है, एक मोना होती है जो सर से प्यार करती है, और एक सर होता है जो अपनी बीवी से प्यार करता है और उनकी बीवी किसी और से प्यार करती है, और सबके सब सर को मारना चाहते हैं और सबके सब इसमें मर जाते हैं। क्या चाल लगी? और क्या गति चाल है? इस फिल्म की जितनी हीरोइन वो सारी मिलकर मेरे से प्यार करें। करना चाहिए भाई, करना चाहिए, सीनियर तो सीनियर है भाई, करना भी तो चाहिए यार। अगर तीन साल यही है, कहां है नीतू जी? मैडम मैडम नु कहा कर अदा कर, रोटी खानी है जूती खानी है? मैडम जूती खान का रिवाज आपके हमारा रोटी मिला कर, पतली आपका मिला कर हमारा मोटी मिला कर, कटिया थारा मिला कर हमारा झोटी मिला कर, बस ईरा थारा मिला कर हमारा मोती मिला कर। चलिए अभिनी के साथ हम बुला रहे हैं अगले फनकार, हमारे बीच में आ रहे हैं देव कुमार देवा। देव कुमार देवा जी के बारे में बताना चाहता हूँ भाई। हाँ, बता। देव कुमार देवा जी जो हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, ऐसे एक कलाकार हैं जो बहुत मेहनती हैं और पूरी इंडस्ट्री में सबको सपोर्ट करते हैं। किसी का भी गाना आ जाए, कोई कहे ना कहे, उत्तर भाई को शायद नहीं पता होता, फिर भी एक आपकी फिल्म भी शेयर कर देते हैं। तो हाँ ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे भी नहीं पता होता, ये सबको सपोर्ट करते हैं, सबसे प्यार प्रेम रखते हैं और मेरे अजीज मित्र हैं, खास मित्र हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं स्टेज के, तो खास तौर पे इनका हुनर है और आप लोगों को बहुत अच्छा मजा आने वाला है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां देव कुमार देवा जी के लिए। आईना मिटान, देव कुमार देवा जी, मेहरा आंचल मेहरा और आईना मिटान, हरियाणा की एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो आ रही हैं। और उसके बाद एक मिनट देव भाई, एक सेकेंड, ये बच्चे उत्तर भाई से सम्मानित होना चाहते हैं। उत्तर भाई, भाई विजय वर्मा जी कमाल है, मैं वही तो कह रहा हूँ, सम्मान की स्थिति चलेगी क्या? ना बस एक आ जाओ भाई, एक बार मैं गचोड़ा हाथ दूं मामला ने। क्यों भाई? भाई यो चाल लगा दी तेरे, मैं गचोड़ दूं इतनी अनुमत है। युवा साथी ग्रुप, ये नांगल चौधरी, नांगल चौधरी नांगल कालिया से ये बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्म किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। भाई कमाल भी, बहुत अच्छा काम, बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ में आप लोगों ने सहयोग दिया है और आगे भी देते रहना। अभी प्रोग्राम बहुत शुरू है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, है भाई। मनीषा हेलो, हाँ जी भाई, दे दी देव भाई देवा जी, आप यहीं रहना, जहाँ आओ ना, आप भी आओ, कमाल है देवा भाई, आप भी आओ ना, विजय भाई लाइट लाइट, हाँ हाँ ये साथ समान, हाँ ये कह रहे थे, बोला हम इनके साथ, मैंने कहा ठीक है। और साई साउंड जो जिसने ये सहयोग दिया है और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, भाई उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और विजय सैनी, विजय सैनी भाई आ जाए एक बार, भाई बागड़ी साहब एक बार आओ जरा, एक मिनट भाई साहब आ गए, हाँ हाँ वही करवा रहा हूँ, नहीं नहीं वही करवा। और एक बहुत बड़ी बात है,
कविता जोशी जी एक बार आप मंच पर आए प्लीज, आपके भी फैन कम नहीं है यहाँ। कविता जोशी जी और नीतू वर्मा जी एक बार आओ प्लीज, कुछ सम्मान आपके द्वारा ये महिला शक्ति। एनी बी कड़क होगी एक दो लाइन तो गा लेंगे ठीक है। एक मिनट आप बुला लिया लिया इन्हें जिन्हें सम्मानित करवाना है, बुला जिन्हें सम्मानित करवाना है तो इनके साथ में मैं समझ गया सर, इनके साथ में खड़ा कराऊंगा भाई बागड़।